absolute value function पे, what is the absolute value function of a real number? ये एक function है, absolute value function. ये apply हो सकता है किसी भी real number पे, और answer देता है हमें ये हमेशा non-negative real number, यानी positive और zero. और है क्या ये? ये basically किसी भी real number का zero से distance है, किसी भी real number. ठीक है, हम इसे define कैसे करते हैं? कोई भी real number x लें, absolute value of x is equal to x if x is greater equal to 0. यानी अगर x 0 है तो फिर 0 से इसका distance 0 हो गया, खत्म होगी बात. अगर x positive है तो फिर इसका जो distance है, क्योंकि अब x positive है, x बड़ा है 0 से, x का और 0 का distance क्या है, वो x minus 0 कर लें, x minus 0 is x, तो फिर x, x का 0 से distance x ही है. और अगर x negative है, नेगेटिव का मतलब कि x फिर लेफ्ट साइड पे होगा, फिर 0 और x का डिस्टेंस क्या होगा, अब बड़ा नंबर कौन सा है, 0, तो फिर 0 और x का जो डिस्टेंस, यानी x का जो 0 से डिस्टेंस है, क्योंकि 0 बड़ा है x से, वो 0 माइनस x, यानी कि माइनस x होगा. तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस x. तो अब आप याद रख लें, ये ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x कैसे कैलकुलेट की जाएगी, किसी भी नंबर पर जब अप्लाई होगा, अगर वो नंबर 0 या ग्रेटर देन 0, तो x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x विल बी सिंपली x. आपने मॉड खत्म कर देना है और उसको x से रिप्लेस कर देना है, यानी x mod is equal to x if x is greater equal to 0. अगर x नेगेटिव है तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू से जब आप x को निकालेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, वहां पे आप एक नेगेटिव साइन रख देंगे. मिसाल के तौर देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, दिस इज सिंपली 2, क्यों, क्योंकि 2 नॉन नेगेटिव है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, दिस इज 0, क्योंकि 0 के केस में x मॉड और मॉड खत्म हो जाता है. 1.5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1.5, क्योंकि 1.5 पॉजिटिव है तो मॉड खत्म हो जाता है. फॉर एनी रियल नंबर x, x स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मॉड खत्म हो जाएगा. माइनस 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 5 नेगेटिव है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जब मॉड खत्म करेंगे तो इस नंबर के साथ माइनस लिख देंगे, क्या करेगा ये माइनस माइनस, ये उसको पॉजिटिव बना देगा. ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी नंबर पे एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इसका ग्राफ मैं आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर छोड़ रहा हूँ, चेक करें, मैं इसका ग्राफ आपको बना के दे रहा हूँ, आप देखें कि ये इसका ग्राफ कैसे है. बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इसका जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस लाइन है, और जब कंटिन्यूस लाइन होती है ग्राफ में तो फिर लिमिट का मतलब एक्चुअल वैल्यू ही होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एक्चुअल वैल्यू बराबर है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की लिमिट का इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसे इन्वॉल्व करके चलता है. यू मे से दिस इज पॉइंट 36. एक क्वेश्चन है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर पूछा जाता है. क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ओवर x, व्हाट इज लिमिट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ओवर x व्हेन x अप्रोचेस टू 0. आप देखें, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें 0, तो ये फंक्शन x मॉड ओवर x 0 पे डिफाइंड नहीं, ठीक है, वैल्यू तो नहीं पुट की जा सकती. अब लिमिट फाइंड करना है 0 पे, और आप दो तरह की लिमिट, क्योंकि आप अगर 0 से पीछे जाते हैं, यानी अगर आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ट्रीटमेंट कुछ और है. अगर आप राइट लिमिट 0 पे कैलकुलेट करते हैं तो आप 0 से आगे बढ़ते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ट्रीटमेंट कुछ और है. लिहाजा आप इसको दो केसेस में करें. देखिए, फर्स्ट केस, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ओवर x, x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है कि 0 से आगे चलेगा, इसका मतलब है कि आपका x ग्रेटर होगा 0 से, और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या होगा, दिस विल बी सिंपली x,
यानी मॉड खत्म हो जाएगा और एक्स पे आ जाएगा। एक्स बाय एक्स इज वन, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस वन इज सिंपली वन, सो आंसर इज। और अगर आप कैलकुलेट करते हैं इसकी लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बाय एक्स, अब लेफ्ट लिमिट एट जीरो का मतलब है कि जीरो से लेफ्ट साइड पे हैं, जब आप जीरो से लेफ्ट साइड पे हैं इसका मतलब है कि आप जीरो से लेस हैं, जीरो से लेस का मतलब है कि आप नेगेटिव हैं, और जब किसी नेगेटिव रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाती है तो वो, यानी कि जब ये मॉड हटाया जाता है तो फिर आप माइनस लगा देते हैं, सो दिस इज माइनस एक्स, माइनस एक्स ओवर एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब आप देखें इसकी लेफ्ट लिमिट माइनस वन है, राइट लिमिट प्लस वन है, सो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, इसी को एक पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में भी पूछा जाता है और उसमें रिलेटिवली दिस इज सिंपल। कैसे बोला, कुछ केसेस बनते हैं, अगर एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो एक्स मॉड सिर्फ एक्स के बराबर है तो एक्स ओवर एक्स वन हो जाएगा, अगर एक्स लेस देन जीरो है तो एक्स मॉड क्योंकि माइनस एक्स के बराबर है तो सॉल्व करेंगे तो एक्स कैंसिल हो गई, ये माइनस वन आ जाएगा। नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस, जीरो पे लेस देन जीरो यानी लेफ्ट लिमिट देखा जाए तो वो माइनस वन है, जीरो पे राइट लिमिट देखा जाए तो वो प्लस वन है, हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एक आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, बाकी फर्दर हम देखेंगे पीस वाइज फंक्शन को। एक मैं चले यहाँ पे करा भी देता हूँ, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन में क्या करेंगे, फर्ज करें अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन जीरो टू फाइव एंड इट इज एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज फ्रॉम फाइव टू टेन एंड इट इज एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज फ्रॉम टेन टू ऑनवर्ड। ठीक है, लेस देन प्लस से, अब इसकी आप लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, फाइव पे लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, तो आप देखें फाइव से एक्स जब लेस है फाइव से तो यहाँ से आपको लेफ्ट लिमिट मिल जाएगी, एक्स ग्रेटर है फाइव से यहाँ से आपको राइट लिमिट मिल जाएगी। तो पीस वाइज फंक्शन में तो आप फंक्शन देखते ही आप लेफ्ट राइट लिमिट्स फाइंड कर लेते हैं और आप उसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ डिटेल से डिस्कस नहीं करता, आप इसके सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे, जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर एफ और एक्स दो फंक्शन है कॉमन डोमेन पे, ठीक है, इसे हम फैट से हम क्या लेते हैं, अगर हमारे पास एफ और जी ऐसे फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस इक्वल टू जी ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इन कॉमन डोमेन ऑफ एच, then limit of f is also less equal to the limit of g x approaches to a, yani agar f of x less equal to g of x hai to fir f of x ki jo limit hai wo bhi less equal hai g of x ki. Ise use karte hue hum ek bade acche result pe pahunchte hain. First kare ki hamare paas teen function ek common domain pe hain और वो इस तरह से रिलेटेड है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन देयर कॉमन डोमेन, देन फिर क्या होना चाहिए, इस रिजल्ट के मुताबिक लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू लिमिट जी ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू लिमिट एच ऑफ एक्स, एंड अगर ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एच ऑफ एक्स की लिमिट के बराबर है, If limit of f and h are same, तो फिर क्या होगा उससे, फिर जो मिडल फंक्शन है इसकी लिमिट क्या होगी, apply the limit, limit g of x, x approaches to a, is it 37 लगाएं, inequality will remain same, f of x की लिमिट और h of x की लिमिट सेम है, say it is l, so what will be the limit of g of x, limit of g of x x approaches to a is then again, ठीक है, this is called sandwich theorem, ठीक है, इसे आप sandwich theorem कहते हैं। एक और बड़ा important result है हमारे पास limits का और वो है, इसे हम 39 कह लेंगे, वो है zero limit theorem, what is zero limit theorem, this is also very interesting,
कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट जीरो है, x अपॉन टू ए एफ ऑफ आंसर इज जीरो, अगर किसी फंक्शन की लिमिट जीरो है तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की लिमिट भी जीरो, लिमिट एक्स अपॉन टू ए एफ ऑफ एक्स मॉड्यूलस एंड वाइस वर्सा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बाकी अगर फर्ज करें जीरो के अलावा कोई लिमिट है तो फिर जरूरी नहीं है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की लिमिट भी वही है। मिसाल के तौर पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू से -1 ऑफ एक्स, क्या आंसर आएगा? एक्स अप्रोचेस टू -1 ऑफ एक्स, आंसर विल बी -1। बट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 है, ये -1 जब शिफ्ट करेंगे आप -1 मॉड्यूलस +1, आंसर इज नॉट सेम, ठीक है। बट अगर फंक्शन की लिमिट जीरो हो तो फिर उसके एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की लिमिट भी जीरो होती है, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन की लिमिट कोई और नंबर हो, मिसाल के तौर पे -1, तो जरूरी नहीं है कि उसके एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की लिमिट भी -1, ठीक है। बट इफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो, देन लिमिट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। इसे हम बहुत सारे रिजल्ट में यूज करेंगे। अच्छा, इसी तरह लिमिट एंड लॉग आर इंटरचेंजेबल, दिस इज 40। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सेम एज लॉग ऑफ द लिमिट, लॉग ऑफ द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स विद एन एडिशनल कंडीशन। सोचे क्या कंडीशन होती है, लॉग की वजह से कोई कंडीशन है। लॉग किस तरह के नंबर्स का डिफाइंड है? शाबाश, लॉग डिफाइंड है नॉन नेगेटिव नंबर्स का, ना जीरो पे डिफाइंड है ना नेगेटिव नंबर पे। तो इस पे ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि फंक्शन की जो लिमिट है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। नाउ यू कैन प्रैक्टिस योर एक्सरसाइजेस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ रिजल्ट्स देखते हैं।